हेलो दोस्तों, ट्रेडिंग डेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले एक स्टॉक के बारे में, जो आप लोगों को किस तरीके से मोमेंटम दिखा सकता है और स्टॉक के अंदर एक गिरावट दिखी जा रही है। दोस्तों, मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि स्टॉक किस तरीके से कहाँ पे से आप लोगों को सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। अगर आप लोग देखोगे तो नाटको फार्मा का मैंने मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया हुआ है, थोड़े लंबे टाइम फ्रेम के अंदर में देख रहा हूँ। और स्टॉक को अगर आप लोग देखोगे ना तो स्टॉक बहुत बड़ी गिरावट दिखा रहा है। दोस्तों, नियर बाय स्टॉक ने 1100 रुपए से अभी 550 रुपए तक ये स्टॉक आ चुका है, 535। अभी ये जो लेवल है ना, इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है इसके लिए। कौन सा लेवल है? पूरा का पूरा एक जोन है दोस्तों, ये पूरा का पूरा एक बायर वाला जोन है। जैसे स्टॉक ये जो लेवल है नियर बाय 500 वाला एरिया जो है ना, स्टॉक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि जब भी स्टॉक ये वाले लेवल के पास आ रहा था, 500 रुपीज के लेवल के आसपास, तो आप लोगों को एक बाइंग का प्रेशर देखने के लिए मिल रहा था। या फिर जब भी डाउन ट्रेंड में था स्टॉक था, तो एग्जैक्टली इन लेवल के आसपास से सपोर्ट लेते हुए स्टॉक ने अपने अपर साइड के मोमेंटम को कंटिन्यू किया था। अभी अगर आप लोग देखोगे ना तो स्टॉक अपने एग्जैक्टली इन लेवल के आसपास आया है, जो 500 वाला एरिया है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जो लोगों के पास स्टॉक होल्ड पड़ा है ना दोस्तों, तो वो लोगों को स्टॉप लॉस की बात करें तो 450 रुपए, 440 रुपए के आसपास भी आप लोग स्टॉप लॉस का प्लान कर सकते हो। और जो लोगों के पास स्टॉक नहीं है या फिर वो लोग इसके अंदर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों इन्हीं लेवल के आसपास से स्टॉक ने क्या करना चाहिए, अपर साइड की मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए आप लोगों को दिखना चाहिए। क्योंकि ये स्टॉक ना बहुत बीटन डाउन है और फार्मा सेक्टर के अंदर एक्चुअली बहुत उतना कुछ रन दिखा नहीं है, बुल रन। हालांकि निफ्टी अपने अपर साइड के मोमेंटम को कंटिन्यू कर रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि अभी जो भी निफ्टी के अंदर रन आएगा, उसके अंदर आप लोगों को आईटी और फार्मा आप लोगों को परफॉर्म करते हुए दिख सकते हैं। तो उसके अंदर जो टॉप पिक अपना रहेगा वो नाटको फार्मा रहेगा, क्योंकि स्टॉक सबसे ज्यादा बीटन डाउन है। और मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों, जो करंट प्राइस है स्टॉक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के आसपास स्टॉक है। जब भी स्टॉक अपने इतने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास आए, जो ऑल टाइम सपोर्ट है दोस्तों उसका, मल्टी टाइम फ्रेम में अगर आप लोग बात करेंगे तो मल्टी ईयर जो सपोर्ट है ना, वो स्टॉक ऑलमोस्ट ब्रेक नहीं करता है, ये मैंने देखा है। इसके वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक इन्हीं लेवल के आसपास से सपोर्ट लेता हुआ आप लोगों को दिख रहा होगा। अगर आप लोग देखोगे ना तो यहाँ पे एक्जैक्टली स्टॉक ने क्या किया, एक ट्रेंड लाइन बनाई दोस्तों। एक्जैक्टली इन्हीं लेवल के आसपास स्टॉक ने क्या किया है, एक ट्रेंड लाइन बनाई है। और एक्जैक्टली इन्हीं ट्रेंड लाइन के आसपास स्टॉक ने क्या किया था, मल्टीपल टाइम रिजेक्शन किया था। और अगर वो ट्रेंड लाइन को मैं एक्सटेंड कर दूं तो एक्जैक्टली इन्हीं लेवल के आसपास आप लोगों को ट्रेंड लाइन दिखती होगी और यहाँ पे से आप लोगों को सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। और एक अपर साइड की ट्रेंड लाइन की बात करूं तो एक्जैक्टली इन्हीं लेवल के आसपास इसने क्या किया, एक स्टीप ट्रेंड लाइन बनाई है। और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, आने वाले टाइम में एक्जैक्टली इन्हीं लेवल का सपोर्ट, 500 रुपीज का सपोर्ट लेते हुए ये स्टॉक अपर साइड की मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। 450 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए जो लोगों के पास स्टॉक पड़ा है। और अपर साइड की बात करूं तो नियर बाय मुझे ऐसा लग रहा है, अगर स्टॉक अपर साइड मूव करना स्टार्ट हो गया तो ये बंपर अपर साइड लेके आ सकता है। क्योंकि इसका फर्स्ट टारगेट रहने वाला है दोस्तों 650 रुपए के आसपास, 670 रुपए के आसपास आप लोग टारगेट बुक कर सकते हो फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट की बात करें, अगर आप लोगों को यहाँ पे स्विंग ट्रेड लेना है तो मे भी 800 रुपए तक भी ये स्टॉक जाने की कैपेसिटी रखता है। लेकिन ये स्टॉक अगर 500 रुपए के लेवल को तोड़ता है तो अपने को 450 रुपए का स्टॉप लॉस देना है और इसके अंदर निकल जाना है, क्योंकि स्टॉक और फिर गिरावट दिखा सकता है उसके पास। हालांकि कोई मेजर सपोर्ट नहीं है उसके बाद। इसी तरीके के लाइव अपडेट्स अपने चैनल के ऊपर दोस्तों लेके आता हूं मैं। अगर आप लोग देखोगे तो नेकेड चार्ट्स के ऊपर आप लोगों को किस तरीके से सपोर्ट्स को आइडेंटिफाई करना है और कहां से आप लोगों को स्टॉक घूमने की प्रोबेबिलिटी दिख सकती है, मैं आप लोगों को हर एक चीज नेकेड चार्ट्स के ऊपर प्लॉट करके दिखाता हूँ। उसके साथ में दोस्तों मैं अर्ली मॉर्निंग आप लोगों को निफ्टी बैंक निफ्टी का भी ओवरव्यू दे देता हूँ कि किस तरीके से निफ्टी बैंक निफ्टी आप लोगों को मूव करते हुए दिख सकते हैं, कौन सा कॉल पुट आप लोगों को बाय करना है। इसी तरीके के लाइव अपडेट्स के लिए, एजुकेशनल कंटेंट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।